अब जरा दर्शन करिए, कहां केवट, हमारे गांव के पास एक गांव है, वहां एक इक्का वाले बाबूजी रहते थे। वो इक्का हांकते थे खड़खड़ा, लेकिन उनको पूरी श्री रामचरित मानस कंठस्थ थी। नाम था वासुदेव, पूरी रामायण, अपनी घोड़ी को घोड़े को वो रामायण सुनाते रहते थे, कभी सपाकी नहीं चलाते थे। चल ले प्यारे चौपाई दोहा सुनाते लेके चले जाते थे बिलसरा रोड, वहां से अपने घर। ये भक्ति की रस वृष्टि कब कहां किस शरीर में किस स्वरूप में जीव पर आकर आधान कर दे कोई नहीं जानता। ये बड़ी लीला है साहब, लेकिन देखिए ना, अनन्यता दर्शन करिए। कह रहे हैं आपके चरण की रज में कुछ जड़ी है, जिसके स्पर्श से छुवत शिला भई पत्थर स्त्री हो गए। वो तो पाहन था, ये काठ की नाव है, वो तो बाहर था, ये जले जले में रहती है, पनिये में पड़ी रहती है। वहां कम खतरा है, यहां अधिक खतरा है। नाव चली जाए ये खतरा नहीं है प्रभु, नाव चली गई तो बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे, क्योंकि मैं तो नहीं जानू कछु और कुछ मैं जानता ही नहीं। अब आप विचारिए, एक तरफ देखा जाए तो केवट भगवान के बारे में कितना अधिक जानते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है केवट भगवान जी को क्या मानते हैं। भक्त का ये श्रेष्ठतम सद्गुण होना चाहिए कि भक्त को अपने भगवान में कोई दोष नहीं दिखना चाहिए। कल आपको सुनाया ना, भगत लोग भी भगवान से चाहे जो काम चाहते हैं। कौन कौन काम? भगवान जी हाई स्कूल में बिठवा बिठिया हैं, पास करा दिया, पढ़िए कहाँ जाके है? कितने तरह का काम चाहते हैं भगवान जी? प्रमोशन हो जाए, अरे परंतु भक्त अपना कार्य करता है, भगवान से कोई काम नहीं कहता, नहीं कहता। हम किसी से भी कुछ तभी कहते हैं जब हम उसको अपने से अलग मानते हैं। ऐक्यता रहेगी तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर समझना होता है भवानी मैया से मां ने क्या कहा, क्या कहा? मां मोर मनोरथ जानहु नीके, क्योंकि बसहु सदा उर पुर सब ही। मेरे मन के मनोरथ को आप ठीक से जानती। जब हम ऐक्य में रहते हैं तो हमको अपनी बात कहना नहीं पड़ता, और जब जीवन के संबंधों में दूरी रहती है तो हर बात कहनी पड़ती है तो भी नहीं पूरी होती है। कहने की आवश्यकता ही तब पड़ती है जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं। केवट अलग इकाई नहीं सरकार के पास,
देखिए भगत ने क्या कहा भगवान से, रावर दोषन पायन को पग धोरी को भोरी प्रभाव महे, रावर दोषन पायन पग धोरी को भोरी प्रभाव महे, पावन के बन पाहन काट कोमल है जल खाई पावन पाय पखारी के नाम चढ़ाए हो यीशु होत कहा, पावन पाय पखारी के नाम चढ़ाए हो यीशु होत कहा, सुन के वर्त के बल बन हसे प्रभु ज्ञान की ओर है, तुलसी सुन के वर्त के बल बन हसे प्रभु हसे प्रभु जान की ओर है, हसे प्रभु जान की ओर है। आप में दोष नहीं है, वो पांव में जो रज है उसमें कुछ कमाल है। अब बस प्रभु मेरी एक प्रार्थना है, इसी नाव से मैं परिवार पालता हूं, इसी नाव से परिवार का पोषण करता हूं, और कुछ मैं कर भी नहीं सकता। देखिए हम लोग एक बार जयपुर कथा करने गए थे, रायपुर से गए थे जयपुर। कल भैया लोग बैठे थे तो बता रहे थे कि ये भी वनवासी क्षेत्र है, आगे है ना, चारों ओर गिरिवासी वनवासी लोग बड़े ही सरल स्वभाव के होते हैं। उनको हम लोगों वाली चतुराई ठगी झूठ कपट दंभ छल ये सब उनको पता नहीं है इनका। हम लोग तो खैर उसमें पीएचडी हैं। तो मैंने कहा मैं जरा उनका दर्शन करना चाहता हूँ। जो सेठ जी बुलाए थे वो हम लोग को ले गए, बाजार लगा था है ना, पहाड़ से वो लोग आते थे, ठीक से कपड़े भी नहीं पहनते थे, वो छालों के कपड़े पहनते थे आते थे, वहां से बहुत सारी जड़ी बूटियां ले करके अपने इतने बड़े पात्र में आते थे, और ये लोग उनको उतना ले लेते थे और उसको भर करके चावल दाल जो जो वो उनकी उपयोग की वस्तु दे देते थे। तो मैंने श्रीमान जी से पूछा कि ये जो वो लाते हैं वो तो बहुत महंगी वस्तु है, जड़ी बूटियां हैं बिकती होंगी, एक डिब्बा 2,000-5,000 में बिकता होगा, ये लोग ये 25 रुपए का चावल दे देते हैं, ये धोखा नहीं है? तो श्रीमान जी बोले कि महाराज श्री धोखा तो है लेकिन कौन कहे, वो लोग खाते हैं जानते नहीं हैं, और ये देते हैं तो धोखा को धोखा मानते नहीं। हम कोई नहीं जान रहा है उसके साथ जानने के बाद भी छल कर रहे हैं तो हम घाती हैं। हम सियार हैं, हम लोमड़ी हैं, लोमड़ी लोमड़ी बड़ा चतुर होता है। इस प्रकार का किया गया धोखा, इस प्रकार की गई कोई भी क्रिया, हम झूठ किस लिए बोलते हैं? अपनों के लिए, अपने लिए तो कोई झूठ बोलता नहीं। झूठ बोलने का परिणाम क्या है? झूठ बोले तो पाप, असत्य बोले तो पाप,
बचपन में हम लोग छोटे छोटे थे, खेलते थे नदी के किनारे, तो कोई खेल खेल में झूठ बोलते उसे कहते थे झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, वहां तुम्हारा बाप है उसी को काटेगा। बचपन में हम लोग ऐसा बोलते थे, बड़े हो गए तो भूल गए कि झूठ तो कलयुग है, वो तो दिन भर बोलते हैं, हम तो एक दो ही बोलते हैं। बोलते क्यों?